देखा आपने कि जब भी मैं एक्सीलेटर को खींचता हूँ, ज़्यादा चाड़ता हूँ एक्सीलेटर को, तभी ये वाइट स्मोक देती है। बहुत सारे भाई का कमेंट रहता है, बहुत सारे कस्टमर जो है मैं कॉल करके बोलते हैं कि सर हमारी बाइक धुआं तो नहीं मारती, जब मैं एक्सीलेटर देता हूँ तभी धुआं मारता है, या फिर एक्सीलेटर देने के बाद भी धुआं नहीं मारता लेकिन इंजन से ऑयल कम होता है, इंजन ऑयल जो है घटता है हमारी गाड़ी का, इंजन ऑयल जो है चाटता है। तो ऐसे में उस कस्टमर के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। सेम इसी तरीके से इस बाइक में भी दिक्कत है गाइज, इसीलिए मैं इसका हेड सेंडर, आपका बाइक धुआं मारे या ना मारे, इंजन से अगर ऑयल कम हो रहा है, इंजन ऑयल घट रहा है, तो समझे कि इंजन का काम कराना होगा, हेड सिलेंडर का काम कराना होगा। तो इसीलिए गाइज इसका हम हेड सिलेंडर ओपन कर रहे हैं, क्योंकि इस बाइक में भी सेम यही फॉल्ट है, यही प्रॉब्लम है। ये गाड़ी जो है 46,000 किलोमीटर चल चुकी है और इसका इंजन ऑयल कम होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेटर झाड़ते हैं तभी इंजन से ऑयल फेंकता है और वाइट स्मोक देने लगता है। तो चलिए फटाफट इसे हम खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस कंडीशन में इसका इंजन है। जहाँ तक कि कस्टमर का कहना है कि सिर्फ रिंग बदल के हम हमारी गाड़ी का जो वाइट स्मोक की समस्या है उसे दूर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि रिंग बदलने से सिर्फ होता है या नहीं होता है। तो हमने पिस्टन वगैरह जो है सब चीज़ खोल दिया है और आपको दिखाते हैं कि रिंग का फिनिशिंग क्या है सिलेंडर ब्लॉक किट में। तो सिलेंडर को मैंने बाहर निकाल दिया, अब आप पारी है रिंग चेक करने की। तो रिंग चेक करके हमने जो देखा गाइस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉल्स हो गया है। ये टॉप टू वाला रिंग है, बीच में जो सुराख देख रहे हैं ये गैपिंग बढ़ चुकी है, इसी वजह से इंजन ऑयल चाटता है, इंजन ऑयल सूखता है इंजन से, या फिर एक्सीलेटर झाड़ने पर जो है धुआँ दिखाई देता है। तो कोशिश है कि मैं रिंग डालकर ही सिर्फ इसका धुआँ बंद करूँ, जो कि ये रिंग घिस जाने की वजह से ही धुआं मारने लगता है और इंजन से ऑयल कम होने लगता है। देखते हैं अगर हमारे पास रिंग होगा तो रिंग चेक करके पहले हम टेस्ट करेंगे क्या ये रिंग डालने से सक्सेस हो जाएगा, रिंग काम करेगा या नहीं सिलेंडर में। तो यहाँ पे गाइज हमारे पास हीरो का जेन्युइन वाला इंजन रिंग है, पिस्टन रिंग, जो कि स्टैंडर्ड साइज है और यह KCC मॉडल कह के आता है। तो टॉप टू वाले रिंग को हम सबसे पहले चेक करेंगे, देखेंगे कैसा फिनिशिंग है नए रिंग का। तो जहाँ तक गाइस मैं देख पा रहा हूँ कि नया रिंग जो इसमें हमने डाला है तो जो फिनिशिंग होना चाहिए बोरवेल में या फिर नए सिलेंडर किट में, वो चीज़ नहीं आ पा रही है। अगर मैं इस रिंग को लगा दूँगा तो धुआं मारता ही रहेगा, अगर धुआं नहीं भी मारता है फिर भी इंजन ऑयल जो है कम होता ही रहेगा। देखिए टॉप वन और टॉप टू, ये पुराना वाला रिंग है तो इस रिंग से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा हमें, पुरानी रिंग जो है और नए रिंग में ज़्यादा कुछ अंतर हमें नहीं मिला। तो चलिए हम क्या करेंगे, आपको दिखाते हैं इसका जो सिलेंडर लाइनर है अंदर का स्लीप जो जिसे हम बोलते हैं वो थोड़ा कटा हुआ है। ये जब स्लीप कट जाता है, अंदर का लाइनर घिस जाता है तो रिंग की सही फिनिशिंग नहीं मिलती है। तो इसी वजह से गाइज हम लोग रिंग डालकर इसे इसका धुआँ बंद नहीं कर पाएंगे। तो इस बाइक का फाइनली धुआं बंद नहीं हो पाएगा सिर्फ रिंग की वजह से, इसे चाहे तो हमें बोर कराना होगा या फिर नया सिलेंडर किट डालना होगा। इसके साथ ही मैं देख पा रहा हूँ इसमें जो हेड है, हेड में भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ा हुआ है, और इसका जो बल्ब का गाइड है वो भी कटा हुआ है गाइज। बल्ब का जो गाइड होता है इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं, ये साइड पले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं जब हिला रहा हूँ एक उंगली से तो ये काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है, यानी कि बल्ब भी कटा हुआ है और इसके साथ ही गाइड भी कटा हुआ है। बल्ब न्यू डालना है और गाइड भी न्यू डालना है, तभी जो है प्रेशर सही तरीके से बन पाएगी और यह इंजन सक्सेस हो पाएगा। तो इस बल्ब को हम नया डालेंगे, बल्ब भी कटा हुआ है साइड से, नया बल्ब डालना है और नया गाइड भी डालना है और हेड का काम कराना है पूरी तरीके से। अब गाइज हमने फाइनली इरादा कर लिया, कस्टमर का भी कहना है कि आप इस बाइक में जो है सिलेंडर किट डाल दो, ठीक है। तो हम सिलेंडर किट इसमें डाल रहे हैं, हमें बोर नहीं कराना है और सिलेंडर किट का फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छा होता है। तो हीरो होंडा CD100 कह के हम इसमें सिलेंडर डाल रहे हैं जो ब्लैक कलर में आता है और इससे जो सिलेंडर निकला हुआ है गाड़ी में जो लगा हुआ था पहले से वो वाइट कलर में लगा हुआ था, जो कि HF डिलक्स कह के हम बोल सकते हैं या स्प्लेंडर प्रो कह के। तो यहाँ पे ब्लैक कलर का सिलेंडर है और इसी सिलेंडर को हम इसमें लगाने वाले हैं। और जहाँ तक कि जब भी मैं सिलेंडर किट को लगाता हूँ तो इसके लाइनर को ज़रूर चेक करता हूँ कि लाइनर का फिनिशिंग क्या है, अंदर में जो स्लीव लगा हुआ है उसका क्या फिनिशिंग है। तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन फिनिशिंग है भाई, मैं इसे अगर लगा दूँगा तो 100% जो है ये बाइक सक्सेस हो जाएगी।
मैं हमेशा की तरह कहना चाहूँगा कि जब भी बाइक का इंजन का काम करते हैं तो फिटिंग करने से पहले ये सब चीज़ अगर आप चेक कर लेंगे तो उम्मीद है कि वो इंजन बिल्कुल सक्सेस हो जाएगा। मतलब इंजन बनाने के बाद जो है वाइट स्मोक की समस्या फौरन नहीं बनेगी, ये बिल्कुल सक्सेस हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें मैं अक्सर देख कर ही लगाता हूँ, इसीलिए कभी कोई शिकायत नहीं आया है वाइट स्मोक के विषय में। और यहाँ पे हम गोच कंपनी का सिलेंडर किट डाल रहे हैं जो कि हीरो जेन्युइन से ज़्यादा बेस्ट फिनिशिंग मिलती है हम लोगों को। यहाँ पे गोच का पिस्टन कुछ इस प्रकार देखने में लगता है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। और इसका जो बोरवेल फिनिशिंग है गाइज, हीरो के जेन्युइन से बेहतर होता है। बड़े बड़े यूट्यूबर जो हैं, मेरे भाई अजय सर है या फिर एआरबी राजवीर भाई है, उन सभी का मानना है कि गोच का जो सिलेंडर किट है बहुत बेस्ट होता है ओरिजिनल के मुकाबले में। तो यहाँ पे हमने गोच का चुना है और जो कि 2000 रुपया इसका एमआरपी है। तो चलिए गाइज, अब हम क्या करेंगे, इसे हम फिटिंग करेंगे। तो ये सभी रिंग है इसका, यहाँ पे हम चेक भी कर लेंगे इसका क्या फिनिशिंग है। तो यार बहुत ही बेहतरीन फिनिशिंग है, जो सिलेंडर किट के साथ फिनिशिंग आना चाहिए जस्ट वही फिनिशिंग है। बहुत ही बारीक सा गैप है जो कि कंपनी ये गैपिंग इसलिए देते हैं कि जब इसको हम फिटिंग करें, ये इंजन ऑयल जब पहुँचेगा तो उसका जो साइज है वो बिल्कुल बराबर हो जाता है। ये टॉप टू वाले का रिंग है, पतले वाले रिंग का गैप थोड़ा सा ज़्यादा रहता है और टॉप टू वाले का रिंग का जो गैप है वो कम रहता है। तो जहाँ तक कि आप बिल्कुल देख सकते हैं, हमने जो सिर्फ न्यू रिंग डाला था उससे ज़्यादा गैपिंग, मतलब उससे जो है ज़्यादा बेहतर है। ये गैपिंग की कमी है, गैप बहुत कम है। ये इंजन ऑयल नहीं चाटेगा 100%, मुझे पूरा उम्मीद है। और ये इंजन सक्सेस हो जाएगी पूरा सिलेंडर किट डालने के बाद। तो चलिए गाइस, जिसे हम फटाफट इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं, उसके बाद आपको इंजन की आवाज़ सुनाएंगे। बता दे रहे हैं टॉप वन का जो गैपिंग है हमने इस कोने पे रखा, टॉप टू का हमने इस कोने पे रखा, और दो पतला वाला जो रिंग है हमने एक इधर रख दिया और एक इधर रख दिया। इस तरीके से आपको रिंग फिटिंग करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इंजन ऑयल डाल के सीधा लगा देना है करेंट में। तो यहाँ पे पिस्टन देखिए हमने जो लगाया है, ये IN जो ऊपर रखा। स्प्लेंडर प्रो बाइक में जब 300 वाला सिलेंडर लगाते हैं तो इसके लिए आपको अलग से बूश लगाना पड़ेगा, जैसे कि अलग से ये वाला बूश मिल जाता है हमें। ये बूश अलग से हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि अभी इस समय हमने वाइड पैकिंग का इस्तेमाल किया। और यहाँ पे जो है हम एक रबड़ का इस्तेमाल करेंगे और वो सबको लगाना है। और ये यहाँ पे लगेगी और इसे हम यहाँ पे लगा देंगे। अब हमें हेड लगा देना है। तो इस तरीके से गाइज बाइक कंप्लीट हो गया और इसमें हमने नया सिलेंडर ब्लॉक की डाल दिया है, देख सकते हैं। पहले वाइट कलर का डाला हुआ था जो कि HF डिलक्स कह के आता है, या स्प्लेंडर प्रो कह के आप ले सकते हैं, पैशन प्रो नहीं, स्प्लेंडर प्रो कह के। तो आप जो है ज़रूरी नहीं कि मतलब इसी वाइट सिलेंडर को ही आप लगाएंगे, इसमें आप ब्लैक सिलेंडर को भी लगा सकते हैं। ये CD100 बाइक का सिलेंडर किट है। इसका जो पिस्टन होता है थोड़ा बड़ा साइज होता है और इसके पिस्टन की जो साउंड है बहुत ही बेहतरीन स्मूथ साउंड हो जाती है। जहाँ तक कि आप देख सकते हैं पहले से काफ़ी ज़्यादा जो है साउंड अच्छा लगने लगा सुनने में हमें। पिस्टन की जो टिक टिक साउंड होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और मैंने बाइक को जो चला कर देखा, अभी हम रास्ते में हैं अपने वर्कशॉप से थोड़ी दूर, बगल में हम आए हुए हैं, बहुत ही हल्का लगने लगा गाड़ी चलाने में। और इसके साथ ही मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि गाड़ी की जो माइलेज भी अच्छी मिलने लगेगी इसके बाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और फेसबुक पेज को लाइक कर लें और फॉलो कर लें। तो चलिए फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।